नवोदय ग्रंथि प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज मेरे पास 8th क्लास की हनी ड्यू बुक है और इसका हम सेकंड लेसन द सुनामी करने जा रहे हैं। इसके अंदर टी जो है वो साइलेंट रहेगा, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे द सुनामी। तो लेसन हम स्टार्ट करते हैं। दी स्टोरीज, ये कहानियाँ, आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो होता है द्वीप समूह। ये कहानियाँ जो हैं अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह से ली गई हैं। इग्निशियस वाज द मैनेजर। इग्निशियस एक प्रबंधक था ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सहकारिता समिति के इन कच्चल। इग्निशियस जो था एक कच्चल में सहकारी समिति का एक प्रबंधक था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने वॉक हिम अप, उसे उठाया एट 6 AM सुबह 6 बजे, बिकॉज, क्योंकि, शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता भूकंप, क्योंकि उसे एक भूकंप महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली, इग्निशियस ने ध्यानपूर्वक टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, अपना टेलीविजन सेट जो था मेज से उठाया, एंड पुट इट डाउन, और इसे रख दिया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल, ताकि ये गिरे नहीं, एंड ब्रेक, और टूटे नहीं। देन द फैमिली, तब परिवार, रश्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर भाग गया। रश आउट मैंने होता है बाहर भागना। वैन द ट्रेमर्स, ट्रेमर्स होता है कंपन, स्टॉप्ड, जब कंपन समाप्त हुई। दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते देखा। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, बड़ी दुविधा में। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे, कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स, जिन्होंने हाथ पकड़े थे, ऑफ देयर मदर्स फादर, अपनी माँ के पिता के यानी कि नाना के, एंड मदर्स ब्रदर, और माँ के भाई यानी मामा के, एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो विपरीत दिशा में भाग रहे थे। डायरेक्शन मीन्स दिशा। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उनको कभी दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे तब बह जाना, उसकी पत्नी भी बह गई थी। ओनली द, केवल, थ्री अदर चिल्ड्रन, केवल तीन दूसरे बच्चे, हु केम विद हिम, जो उसके साथ आए थे, वर सेव्ड, बच पाए। इसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारा। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस वाला था, सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड, जो कि कच्चल द्वीप के अंदर सेवा कर रहा था या नौकरी कर रहा था। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। ही समहाउ, उसने जैसे तैसे मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, और अपनी पत्नी को और अपनी छोटी बेटी को, फ्रॉम द वेव्स, लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज, लेकिन तब उसने चीखे सुनी, फॉर हेल्प, मदद के लिए, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी के मुंह से, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस का रसोईया था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव पानी में कूद गया। टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स बचाना, टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वह दोनों बह गए। 13-year-old मेघना, 13 साल की मेघना वाज स्वेप्ट अवे, बह गई, अलोंग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एंड 77 other people, और दूसरे 77 लोगों के साथ। शी स्पेंट, उसने बिताए 2 days, 2 दिन, फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते, फ्लोट में तैरना। होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, एक वुडन डोर, लकड़ी के डोर, दरवाजे को पकड़े हुए। 11 times, 11 बार, शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसने राहत कार्य करने वाला हेलीकॉप्टर 11 बार देखा, ओवरहेड, सिर के ऊपर। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। शी वाज ब्रॉट टू द शोर, शोर मीन्स समुद्र तट, उसे समुद्र तट पर लाया गया। बाई ए वेव, एक तरंग के द्वारा या लहर के द्वारा। एंड वाज फाउंड वॉकिंग, और उसे पाया गया चलते हुए ऑन द सी शोर, समुद्र तट पर, इन ए डेज, बड़े हैरानी के साथ। आलमस जावेद वाज 10 years old, आलमस जावेद 10 साल की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वह पोर्ट ब्लेयर में कार्मल कॉन्वेंट की एक छात्रा थी। वेयर हैड ए पेट्रोल पंप, जहां उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहिलाज होम, उसकी माँ रहिला का जो घर था, वाज इन नैन कावरे आइलैंड, वो नैन कावरे आइलैंड पर था। द फैमिली हैड गोन देयर, परिवार वहां गया हुआ था, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने के लिए। When the tremors, जब कंपन हुई, came early in the morning, सुबह जल्दी, the family was sleeping, परिवार सो रहा था। Almost father, Almost का पिता ने saw the sea water, पानी के
समुद्र के पानी को देखा, रिसीड रिसीड मैंने घटते हुए, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट द वाटर वुड कम, कि पानी आएगा, रशिंग बैक, वापस विद ग्रेट फोर्स, बड़ी पूरी ताकत के साथ, ही वोक एवरीवन, उसने हर एक को जगा दिया अब, एंड ट्राई टू रश देम, और उन्हें भगाने की कोशिश की, टू ए सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर, सेफर मीन्स सुरक्षित, एज दे रेन, जैसे ही वे भागे, हर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, वाज हिट ऑन द हेड, उनको सिर पर चोट लगी, बाई समथिंग, किसी चीज के द्वारा, एंड ही फेल डाउन, और वह गिर गए, हर फादर, उसके पिताजी, रश टू हेल्प, मदद के लिए दौड़े, टू हिम, उसकी ओर, देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, तब एक बड़ी विशाल लहर आई, दैट स्वेप्ट, जो कि बहाकर ले गई बोथ ऑफ देम, उन दोनों को अवे दूर, आलमस मदर, आलमस की माता, एंड आंट्स, और उसकी मौसियाँ, स्टूड क्लिंगिंग, चिपके खड़ी थी, क्लिंग टू होता चिपकना, टू द लीव्स, पत्तों से, ऑफ ए कोकोनट ट्री, एक नारियल के पेड़ के पत्तों से चिपकी खड़ी थी, कार्लिंग आउट टू हर, उसे बुला रही थी, ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक वेव लहर ने अपरूट मैंने उखाड़ दिया द ट्री, पेड़ को, एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और वो भी बहेगी, वाश अवे मैंने बहना, आलमस सा ए लॉग ऑफ वुड, आलमस ने लकड़ी का एक लट्ठा देखा, फ्लोटिंग तैरता हो, फ्लोट मीन तैरना, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इस पर चढ़ गई, देन शी फेंटेड, फेंट होता है बेहोश हो जाना, तब वह बेहोश हो गई, व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन, तब वो एक हॉस्पिटल थी, इन कैमोरेटा, कैमोरेटा के, फ्रॉम देयर, वहाँ से, शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया, द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट, छोटी जो लड़की है इस बारे में बात करनी नहीं चाहती, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, विद एनीवन, किसी के साथ भी, शी इज स्टिल ट्रामेटाइज्ड, वो अब भी सदमे में है। इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में देखिए, नाउ हेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब यहाँ एक कहानी थाईलैंड से है, द स्मिथ फैमिली, स्मिथ परिवार, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड से संबंध रखता था, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वह क्रिसमस मना रहा था, एट ए बीच, एक समुद्र तट के रिजॉर्ट पे, इन साउदर्न, जो कि दक्षिणी थाईलैंड में था, टिली स्मिथ, टिली स्मिथ वॉज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी, हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी बहन 7 साल की थी, देयर पेरेंट्स, उसके माता पिता वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके माता पिता पैनी और कॉलिन स्मिथ थे, इट वॉज 26 दिसंबर 2004, यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था, डेडली सुनामी, डेडली मैंने भयंकर, सुनामी वेव्स, सुनामी की लहरें, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, अपने रास्ते में थी, दे हैड बीन ट्रिगर्ड, उन्होंने निशाना बनाया था, बाई ए मासिव अर्थक्वेक, एक बड़े विशाल भूकंप को निशाना बनाया, ऑफ, या ये कह सकते हैं कि एक बड़े विशाल भूकंप को लेकर आई, ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, उत्तरी सुमात्रा में, अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, द वाटर वाज स्वेलिंग, पानी बढ़ता जा रहा था, एंड कैप्ट कमिंग इन, और अंदर आ रहा था, पैनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पैनी स्मिथ को याद था, द बीच वाज गेटिंग स्मेलर, जो समुद्र तट था वो छोटा होता जा रहा था, एंड स्मॉलर, छोटे से छोटा होता जा रहा था, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, वट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, बट टिली स्मिथ सेंस, लेकिन टिली स्मिथ ने अनुभव किया, दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत है, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका मस्तिष्क वापस जा रहा था, टू ए ज्योग्राफी लेसन, एक भूगोल के पाठ की ओर, शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में लिया था, जस्ट 2 वीक्स बिफोर, 2 सप्ताह पहले, शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, जब वो थाईलैंड के लिए उड़े थे, विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ, टिली सा द सी स्लोली, टिली ने समुद्र को देखा, स्लोली राइज उठते हुए, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और वहाँ पर फॉर्म में झाग बनने लगी थी, बबल बुलबुले उठने लगे थे, एंड फॉर्म whirlpools, whirlpools मैंने भंवर, और भंवर बनने लगे थे, शी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास, इन ए वीडियो, कि उसने ये को वीडियो को कक्षा में देखा था, ऑफ ए सुनामी, सुनामी की, दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड, जिसने हवाइन आइलैंड को हिट किया था, इन 1946 में, हर ज्योग्राफी टीचर, उसके जो भूगोल के अध्यापक थे, हैड
शॉन हर क्लास, उसको कक्षा में द वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड देम, उनको बताया था दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, कि सुनामी जो है भूकंपों के कारण उत्पन्न होती हैं, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, वोल्केनोज ज्वालामुखियों के कारण एंड लैंडस्लाइड और भूस्खलन के कारण, ये तीन कारण बताए थे, भूकंप के कारण, ज्वालामुखी कारण और भूस्खलन के कारण। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया एट हर फैमिली, उसके परिवार पर, टू गेट ऑफ द बीच, कि वो उस तट से दूर हो जाए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, उसने एक भूकंप के बारे में बात की, अंडर द सी, समुद्र के नीचे। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो पागल सी होती जा रही थी। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, पैनी, उसकी माँ पैनी ने कहा, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती व्हाट ए सुनामी वाज, सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन में डरे हुए, लेकिन अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस, कुछ ना कुछ गंभीर बात है, मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ गंभीर बात हो रही है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिली के माता पिता से ले गए, एंड हर सिस्टर, उसकी बहन को, अवे फ्रॉम द बीच, समुद्र तट से दूर, टू द स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में, एट द होटल, जो कि होटल पर था। ए नंबर ऑफ मीन्स मैंने बहुत सारे अदर टूरिस्ट, दूसरे सैलानी, आल्सो लेफ्ट द बीच, उन्होंने भी बीच समुद्र तट को छोड़ दिया था, विद देम, उनके साथ। देन इट वॉज एज इफ, यह ऐसा था, द एंटायर सी, एंटायर मीन्स मैंने पूरा सी, समुद्र, हैड कम आउट, बाहर आ गया हो, आफ्टर देम, उनके पीछे। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रहा था, रन, दौड़ो। द फैमिली टुक रेफ्यूज, रेफ्यूज मैंने शरण लेना, परिवार ने शरण लिया, इन द थर्ड फ्लोर, तीसरे तल पर, ऑफ द होटल, होटल के। द बिल्डिंग विद स्टूड, उस बिल्डिंग ने विद स्टैंड की सेकेंड फ्लोर में सहन करना, विद स्टूड, सहन किया, द सर्ज ऑफ थ्री सुनामी वेव्स, तीन बड़ी बड़ी सुनामी की लहरों को। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे समुद्र तट पर रुके होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं बचे होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, उसके बाद स्मिथ जो परिवार था दूसरे सैलानियों से मिला, who had lost, जो खो चुके थे entire families, पूरे के पूरे परिवारों को। थैंक्स टू टिली, टिली को धन्यवाद, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन को, दे हैड बीन फॉर वारंट, जिन्होंने उसे पहले से चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर, टिली वापस गई टू हर स्कूल, अपने स्कूल में, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और अपनी क्लासमेट्स यानी कक्षा के सहपाठियों को बताया हर टेरिफाइंग टेल, उसकी भयानक कहानी को। इसके बाद जो है इसका थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट में, दिस इज हाउ बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू, इससे पहले कि बड़ी जो लहरें थी टकराती, इनटू द कोस्ट, तट पर, इन इंडिया, भारत के, एंड श्रीलंका, श्रीलंका और भारत के तट पर टकराती। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड मीन जंगली, डोमेस्टिक मैंने घर में पाले जाने वाले एनिमल, जानवर, सीम्ड टू नो, वो जान जाते थे व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है। दे फ्लैड, वे भागते टू सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, आई विटनेस होते गवाह, गवाहों या प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार, आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड, हाथी चिंघाड़ते, स्क्रीम्ड मैंने चिल्लाना या चिंघाड़ना, एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और उच्च भूमियों की तरफ जाते। डॉग्स रेफ्यूज्ड, और कुत्ते मना करते, टू गो आउटडोर्स, बाहर जाने से मना कर देते थे कुत्ते। फ्लैमिंगोज राज हंस अबेंडेंड, छोड़ देते देर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपने नीचे वाले ब्रीडिंग एरियाज मैंने प्रजनन वाले स्थानों को छोड़ देते। एंड जू एनिमल्स, और जू मीन्स चिड़ियाघर में रहने वाले जानवर, रश्ड इनटू देयर शेल्टर, अपने आश्रयों की तरफ भाग जाते। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड, और उनको प्रलोभन नहीं दिया जा सकता था टू कम बैक आउट, कि वो वापस आएँ। मैनी पीपल बिलीव, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, दैट एनिमल पोजेसिस जे सिक्स सेंस, की जानवरों के पास सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री होती है, एंड नो वैन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वो जान लेते हैं कि कब धरती हिलने वाली है, शेक मीन्स हिलना। सम कुछ एक्सपर्ट विशेषज्ञ बिलीव विश्वास करते हैं, दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग, कि जो जानवरों की जो एक्यूट तेज हियरिंग सुनने की क्षमता है, हेल्प्स देम मदद करती है टू हियर सुनने के लिए, और फील द अर्थ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मीन कंपन, अर्थ मीन्स धरती, और धरती के कंपन को महसूस करने में मदद करती हैं। दे कैन सेंस
वे महसूस कर सकते हैं एन अप्रोचिंग डिजास्टर, एक आते हैं आपदा को, लॉन्ग बिफोर, उससे पहले, ह्यूमन रिलाइज, आदमियों के महसूस करने से पहले, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। वी कैन नॉट बी श्योर, हम इस बारे में पूरी तरह से विश्वस्त नहीं हो सकते, वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि जानवरों के अंदर छठी इंद्री होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन वास्तविकता है, द जायंट वेव्स, जो बड़ी लहरें हैं, दैट रोल्ड थ्रो, जो चली थ्रो द इंडियन ओशन, हिंद महासागर पर, किल्ड मोर देन 150,000 पीपल, उन्होंने 150,000 लोगों को मार दिया, इन ए डजन कंट्रीज, लगभग एक दर्जन देशों में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा जानवरों के मरने की रिपोर्ट नहीं आई। अलोंग इंडियाज कडालोर कोस्ट, और भारत के साथ लगते कडालोर तट पर, वेयर थाउजेंड्स ऑफ, जहाँ पर हजारों पीपल पेरिस्ट, लोग मारे गए, बफेलोज, भैंसे, गोट्स, बकरियाँ एंड डॉग्स और कुत्ते वर फाउंड अनहार्म्ड, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर जो याला नेशनल पार्क है, इज होम इन ए वराइटी ऑफ एनिमल्स, वो बहुत सारे जानवरों का घर है, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, जिसमें हाथी रहते हैं, लियोपार्ड्स, तेंदुए रहते हैं, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों की 130 प्रजातियाँ हैं। 60 विजिटर्स वर वाश्ड अवे, वहाँ पर 60 जो मेहमान थे या सैलानी थे वो बह गए, फ्रॉम द पटनगला बीच, पटनगला समुद्र तट से, इनसाइड द पार्क, जो पार्क के अंदर था। बट लेकिन नो एनिमल कारकेसिस, कारकेसिस होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, पशुओं के शव कोई नहीं पाया गया, वर फाउंड, वहाँ पर पशुओं का कोई भी शव नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफेलोज, केवल दो समुद्री भैंसें मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के आने से एक घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क, जो लोग याला नेशनल पार्क पर थे, हैड ऑब्जर्व, उन्होंने महसूस किया, थ्री एलिफेंट्स, तीन हाथी, रनिंग अवे, दौड़ रहे थे, फ्रॉम द पटनगाला बीच, पटनगाला तट से, ए श्रीलंका जेंटलमैन, ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका के भद्र पुरुष, हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो तट पर रहते थे, नियर गैले, सैड, गैले ने कहा, हिज टू डॉग्स, उसके दो कुत्ते, वुड नॉट गो, नहीं गए, फॉर देयर डेली रन, अपनी रोज की दौड़ के लिए, ऑन द बीच, तट पर, दे आर यूजुअली एक्साइटेड, वे बड़े उत्साहित होते हैं, टू गो ऑन दिस आउटिंग, इस सैर को लेकर, ही सैड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने मना कर दिया जाने से, एंड मोस्ट प्रोबेबली, और शायद सेव्ड हिज लाइफ, और शायद उसका जीवन बचा लिया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सुनामी का लेसन था आज का।